होशंगाबाद आए राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा ने बताया कि मध्य प्रदेश में जहां जहां मां नर्मदा प्रवाहित हो रही है वहां पर नदी के दोनों किनारों पर अधिक से अधिक पौधारोपण किए जाए, इस योजना पर कार्य चल रहा है। सर्किट हाउस में पत्रकारों ने चर्चा करते हुए उन्होंने शिवराज सरकार का आभार माना तथा केवलारी में आयोजित संतों का समागम के बारे में बताया। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि नर्मदा किनारे किसी भी प्रकार की मशीन से हो रहे खनन पर सरकार की नजर रहेगी। सरकार द्वारा खनन प्रतिबंधित किया जाएगा। नदी किनारे से सिर्फ तगाड़ी फावड़े से ही खनन किया जा सकेगा और खनन का अधिकार अब पंचायत स्तर पर दिया जाएगा। मां नर्मदा को कैसे बचाया जाए इस पर मंत्रणा हो रही है। हम तो साधु संत है, मां नर्मदा का पूजन हमारा धर्म है। उन्होंने नागरिकों को संदेश दिया कि मां नर्मदा के जल को स्वच्छ रखें, किसी भी प्रकार की गंदगी ना करें जिससे कि मां नर्मदा जल प्रदूषित हो। आशाराम बापू के बारे में पूछने पर बताया कि जिसने जैसा किया उसको वैसा ही मिलेगा। होशंगाबाद से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। संतों के हाथों में सौंपा है तो धन्यवाद के पास सीधा सरकार है। इसके बाद हम लोग को जो काम दिया है पर्यावरण का, जिस ढंग से वृक्षारोपण, नर्मदा स्वच्छ साफ रहे और रेत उत्खनन ना हो, इसका भी, क्योंकि जब नर्मदा का मामला आया तो रेत उत्खनन का भी मामला आया और जल संरक्षण का, कुआँ बावड़ी और बावड़ी वगैरह हैं, तालाब हैं, इसमें पर्याप्त पानी रहे। हम लोग जगह जगह जा रहे हैं और हम लोग को संदेश दे रहे हैं कि आप सब लोग पानी को बचाइए, जल ही जीवन है, ऐसा संदेश। देवास क्राइम ब्रांच और बरोठा पुलिस ने मुखबिर की सूचना से पकड़ा हथियारों का जखीरा, चार युवकों को किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच और बरोठा पुलिस ने बरोठा व डबल चौक के मार्गों पर अवैध रूप से बड़वानी की ओर लाए गए पिस्टल, कट्टे व कारतूस सप्लाई करने जाते हुए देवास के दो छात्रों सहित चार युवकों को गिरफ्तार किया है। इनसे 9 रिवॉल्वर, 315 बोर के कट्टे, पिस्टल के अलावा 6 जिंदा कारतूस मिले हैं। देवास SP अंशुमन द्वारा बताया गया कि चारों आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। आरोपी बड़वानी तरफ के सिकली घरों से कम कीमत से हथियार लाकर देवास क्षेत्र में 2 से 3 हज़ार रुपये में बेचते थे। पकड़ाए गए हथियार कहां से सप्लाई करने जा रहे थे इसकी पूछताछ के लिए अभी रिमांड मांगा है। देवास से नितिन राठौर की रिपोर्ट। कल इनके द्वारा बरोठा पुलिस के सहयोग से डबल चौकी में और बरोठा थाने में इनके द्वारा कार्रवाई की गई थी। दो अलग अलग जगह कार्रवाई में दोनों जगह से दो दो व्यक्ति पकड़े गए हैं। एक जगह से 315 के कट्टे और 2 देशी रिवॉल्वर और एक जगह से 4 देशी पिस्टल ये बरामद हुए हैं। इनके साथ में इतनी संख्या में इनके राउंड भी बरामद हुए हैं। जो चारों आरोपी पकड़े गए हैं, चारों आरोपियों के पूर्व के रिकॉर्ड है, इसमें से जो कोड़ाल और चीकू है ये पहले भी 5 बार बंद हो चुका है और दूसरा राजपाल करके जो बदमाश है उसके भी पुराने 4 प्रकरण बने हैं। इनके खिलाफ पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। इन आरोपियों के पुलिस रिमांड दिया जा रहा है ताकि उनसे ये जानकारी ले जा सके कि ये पहले भी कोई इन्होंने हथियार सप्लाई किए हैं तो किनको सप्लाई किए हैं और ये अभी जो लाए थे ये कहाँ सप्लाई के लिए लाए थे, किस उद्देश्य से लाए थे, इनके बारे में बारीकी जानकारी। सर, पूर्व में भी जो है देवास ज़िले में अवैध रूप से हथियार बेचते खरीदते पकड़े गए और अभी भी 4 लोगों को पकड़ा गया, क्या मानते हैं आप सर, किसी तरह का कोई गिरोह सक्रिय है क्या जो इस तरह के जो हथियार लाता और यहाँ देवास ज़िले में बेच देता और उसके बाद जो आसपास के इलाकों में जो है इससे वारदातें होती हैं? नहीं, ये तो सतत प्रक्रिया है क्योंकि ये लोग भी अपने अलग अलग तरीके से अपराध करने के रास्ते तलाशते हैं और हम लोग भी अपनी तरफ से हमारी जो टीमें लगाते हैं या जो पब्लिक के जो सोर्सेज हैं उनके माध्यम से जो सूचनाएँ प्राप्त होती हैं तो नेचुरली है कि जब पुलिस एक तरीका लगाती है किसी अपराध को रोकने के लिए तो अपराधी जो है उस। इंदौर में गोदा कैपकॉन एंड इंसुलेशन लिमिटेड का IPO खुल गया है। 30 से 33 रुपए के बेस प्राइसेस पर ऑफर किया गया है। इशू है, हम लोग 30 से 33 रुपए का रेट है, 4000 शेयर का लॉट है। ये SME प्लेटफॉर्म के ऊपर IPO है जिसमें एक लॉट का सिस्टम होता है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में मिनिमम लॉट साइज होता है। हम लोग टोटल 9 से 9.90 करोड़ रुपए के बीच में रेस कर। क्या काम करते हैं? हम लोग कंडक्टर्स बनाते हैं, जो हाई टेंशन लाइन पे कंडक्टर्स एल्यूमिनियम का गुथा हुआ तार जो लगा होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग। सर, कल IPO आ रहा है, कल आप और आज आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, आपको लगता थोड़ा लेट हो गया? नहीं, ऐसा लोगों को कैसे पता चलेगा? सब आप लोग कल सुबह देंगे तो कल सुबह पेपर खुलते ही सब लोगों को पता लगेगा, न्यूज़पेपर सभी को फर्स्ट डे रहेगा, इसलिए। क्या उम्मीद है आपको IPO से? काफ़ी अच्छा IPO होगा सब। हम लोग नाम बता दीजिए। दीपेश, इंदौर से आशीष जादौन की रिपोर्ट।
गंज बासोदा में यातायात पुलिस के तत्वाधान में मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़क सुरक्षा सप्ताह के चलते गंज बासोदा यातायात पुलिस के प्रभारी नरेंद्र पाठी ने वाहनों पर रेडियम के स्टिकर लगाकर जागरूकता स्लोगन लिखे और पंपलेट चिपकाए, नियमों का पालन करने के लिए कहा और ग्रामीण एवं शहरी ट्रैक्टर ट्रालियों पर लाल सफ़ेद और पीली स्टिकर लगाकर दुर्घटनाओं से बचने के लिए आगाह किया। इसी के तहत ड्राइविंग लाइसेंस वाहन के रजिस्ट्रेशनों की भी जाँच की गई। 18 वर्ष से कम उम्र के वाहन चालकों को वाहन चलाने से रोकने एवं 18 वर्ष से ऊपर के वाहन चालकों को लाइसेंस बनाने की भी निर्देशित दिए। त्रिपाठी ने बताया कि वाहनों की लाइटों की जांच कर बैक लाइट सुधारने के लिए भी समझाइश दे दी। गंज बासोदा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। सर, यातायात सप्ताह के बारे में आप क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके बारे में आप बताएं। ये ट्रैफिक सेफ्टी वीक है जो 23 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा और अभी हमने यातायात सुरक्षा संबंधी एक रैली भी निकाली थी जिसमें कुछ बच्चे और ये वॉलेंटियर जो सरस्वती छात्र रखते हैं इनको लेके यातायात जागरूकता किया था। उसके अलावा जो यहाँ पर ऑटो यूनियन है उनके ड्राइवरों का बैठक किया था, उनको समझाइश दी गई है। बच्चों को पेंटिंग्स भी करवाई गई है जिसमें कि ट्रैफिक लाइट्स का पेंटिंग है या ओवरटेक का पेंटिंग, इस तरीके से बच्चों ने पेंटिंग भी की है और इन सब ने कुछ होर्डिंग्स वगैरह भी लगवा है, कई पर्चे भी बटवा है हम लोगों ने और लगातार चौराहों। प्रदेश के मुखिया की योजनाओं की खुली पोल, एक बार फिर हुई मानवता तार तार। सुविधाएं होने के बाद भी महिला को नहीं मिली सुविधा, समय पर नहीं पहुंचा 108 वाहन, खुले आसमान के नीचे रोड पर बच्चे को जन्म दिया महिला ने। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर करोड़ों खर्च कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी उनकी योजनाओं का मजाक बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सारंगपुर में सामने आया है। शनिवार को तरगंज निवासी महिला को खुले में ही छात्रावास परिसर में बच्चे को जन्म देने पर मजबूर होना पड़ा। लोगों द्वारा इसकी सूचना 108 वाहन को दी गई। 108 का ड्राइवर आधे घंटे बाद मौके पर पहुंचा। परिजनों ने 108 के ड्राइवर से बात की तो वो बेफिक्र होकर सिगरेट पीता नजर आया। 108 सेवा के साथ ही डॉक्टर भी मौजूद रहता है, लेकिन डॉक्टर भी उस वक्त मौजूद नहीं था। इस परिस्थिति को देखकर क्या समझा जाए मामा जी, क्या आपकी योजनाएँ सिर्फ रसूखदारों के लिए है? सारंगपुर से सलमान अली की रिपोर्ट। बैठ गई और यहीं पे डिलीवरी हो गई, साथ में कोई नहीं था उनके। फिर हमें मालूम पड़ी तो 108 पे फ़ोन लगाया, 108 नंबर गाड़ी आई और फिर अस्पताल ले गए। डिलीवरी के कितनी देर बाद आई? डिलीवरी के 20 मिनट बाद कम से कम। अस्पताल में भी उसमें दो जल्दी एक्सप्रेस है मौजूद है या कार्यरत है और दोनों सही ढंग से कार्य कर रही है। इसमें सर आज एक मामला छात्रावास में एक डिलीवरी हो गई महिला को, क्या आपके संज्ञान में है वो मामला? नहीं, सुनने में जरूर आया था कि कोई डिलीवरी हुई है बाहर और उसके बाद ज़्यादा डिटेल्स अभी मेरे पास आए नहीं है। ये भाटा हिरण का हिस्सा नहीं? हाँ हाँ, अरे यो कोई नानू है रोटल आए मांग के ना पास रुपये था कार का खवाया था 10 रुपये चाय नहीं दे, 4-5 छुर के दे 10 रुपये चाय। मनाचल में स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रहे मरीज। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधा के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की, लेकिन कर्मचारी एवं अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा मनाचल के अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। BO12, इसका उदाहरण सीधी जिले के कुशमी ब्लॉक के पौंडी स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला। जब हमारे संवाददाता के सारा स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया गया तो स्वास्थ्य केंद्र में चपरासी के अलावा न तो डॉक्टर था और न ही नर्स उपस्थित थी। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन के द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुविधा का लाभ जरूरतमंदों को कैसे मिल रहा है। समय रहते बेलगाम कर्मचारियों के ऊपर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में स्थिति और विकराल हो सकती है। कुशमी से राकेश सिंह की रिपोर्ट। किस पोस्ट पे है यहाँ? चपरासी। डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर साहब इस वक्त कहाँ है? इसमें नहीं होंगे सर। तो आते नहीं है क्या? आते। कब आते? आते हैं सर, आज तो अभी गए हैं उस टाइम पे। और यहाँ और कोई सिस्टर वगैरह?